वालेकुम नाजरीन, EPI न्यूज़ में खुश आमदीद। आज वफाकी शरई अदालत में ट्रांसजेंडर्स के हवाले से केस की समात हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समात की है और जस्टिस खादम एम शेख चीफ जस्टिस के हमरा थे बेंच के अंदर। और समात के दौरान जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान मौजूद थे और वफाकी जो हुकाम थे वजारत इंसानी हकूक़ के, वो भी मौजूद थे। तो आधे घंटे से ज़्यादा ये समात चलती रही है, जिसमें गुज़श्ता समात पे वफाकी शरई अदालत ने यह हुक्म दिया था कि ये जो ख्वाजा सरा बच्चे होते हैं स्पेशली, इनके लिए एक प्रोटेक्शन सेंटर कायम किया जाए। लेकिन आज अदालत में जो रिपोर्ट्स जमा कराई गई वजारत इंसानी हकूक़ की तरफ से, उसमें ऐसा कोई सेंटर भी कायम नहीं किया गया। और अदालत ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के अंदर 4 या 5 मेंबरान थे जिन्होंने SOPs तैयार करने थे कि ये जो प्रोटेक्शन सेंटर बनेंगे ख्वाजा सराओं के लिए और ख्वाजा सरा बच्चों के लिए अलग अलग ये बनना थे, तो उनके SOPs क्या होंगे, उनके जवाबत कार क्या होंगे। वो जवाबत कार आज जमा कराने थे, लेकिन 24 दिन के बाद ये समात दोबारा हुई है। 15 दिसंबर को ये समात होना थी, लेकिन आज वजारत इंसानी हकूक़ की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई गई उस पर अदालत ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए उसे गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। और सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक़ की सरजनश भी की है कि वो क्यों अदालत के हुक्म पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। आज एक आधे घंटे की समात के दौरान सेक्रेटरी जो वजारत इंसानी हकूक़ थे, वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और सिर्फ़ लहतो लाल से काम लेते रहे। और उन्होंने ये कहा कि इसके लिए एक प्रोसीजर होता है कानूनी तौर पे, और जो वजारत इंसानी हकूक़ है उसका दायरा कार सिर्फ़ इस्लामाबाद की हद तक है, सूबों में उसका दायरा कार नहीं है, ये प्रोवेंशल सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए सूबों में जाके इस पर जो है ना, सूबों में अलहदा काम करना पड़ेगा। और यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो है एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर के लिए एक जगह मुख्तस कर दी गई है, बल्कि फ़ंड्स उन्होंने कहा मुख्तस किए गए हैं। समात के दौरान आज एक अहम इंकशाफ ये हुआ कि वजारत इंसानी हकूक़ की एक बिल्डिंग है, उस पर किसी और डिपार्टमेंट ने कब्ज़ा किया हुआ है। उस पर छुड़वाने की बात भी, उस कब्ज़े को छुड़वाने की बात भी की गई। तो ये अजीब एक बात थी कि हुकूमत की, एक वफाकी हुकूमत की एक मिनिस्ट्री ये कह रही है कि उसकी एक इमारत पर कब्ज़ा कर लिया गया है और उसको वागुजार कराने के लिए अदालत जो है वो अहकामात जारी करे। तो आज अदालत ने, वफाकी शरई अदालत ने चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर शाह ने ये हिदायत की है वजारत इंसानी हकूक़ को कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर बनाने और ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन बनाने के लिए जो SOPs बनाने हैं कमेटी ने, उस उनकी मुआवनत करे और रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें मीटिंग की जाए। और मीटिंग करने के बाद SOPs तैयार करके आइंदा समात पर अदालत के अंदर 17 जनवरी तक ये समात मुलतवी की गई है। और 17 जनवरी को उन्हें हिदायत की गई है कि आप यहाँ आकर SOPs जमा कराएँ और बताएँ कि ट्रांसजेंडर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, स्पेशली बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजारत इंसानी हकूक़ क्या काम कर रही है। और ट्रांसजेंडर एक्ट पर जो अमल दरामद करना था वो अब तक क्यों नहीं किया गया। नाजरीन, बताते चलें कि ये केस 2018 से यहाँ वफाकी शरई अदालत में जारी है और अभी तक वजारत इंसानी हकूक़ जो है वो ये अदालत को बताने में नाकाम है कि उस जो कानून बना है उस पर कितना अमल दरामद किया गया और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो ये सूरत हाल चल रही है। इस केस में तमाम फ़रीक़ैन जो दरख्वास्त गुजार थे इस कानून के ख़िलाफ़ आए हुए हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज वजारत इंसानी हकूक़ की तरफ से दलाइल दिए जाने थे और वजारत इंसानी हकूक़ में UNDP का जो नुमाइंदा था उसने अदालत से आज वक्त मांग लिया है कि हमें मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि हम तैयारी करके इसको अपने दलाइल दें। तो आज अदालत ने उनको 17 जनवरी तक का मज़ीद वक्त दिया है, उस पर ये वजारत इंसानी हकूक़ की तरफ से दलाइल दिए जाएंगे और रिपोर्ट्स जमा होंगी। देखते हैं कि ये केस किस जानब जाता है, आइंदा समात पे इसका पता चलेगा।